नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे एक नई थीम ड्रूपल में नई थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए हमें एक थीम चाहिए होगी। ड्रूपल 7 की हम थीम सर्च करेंगे, ड्रूपल 7 थीम। इस थीम वाले इस लिंक पे जाएंगे, Drupal 7 drupal.org product/product_themes। तो इस पेज पे आपको Drupal 7 की थीम्स मिलेंगी जो Drupal प्रोवाइड कराता है। तो ये बूटस्ट्रैप थीम्स, ये सब थीम है दोस्तों। ओमेगा सबसे अच्छा यूज़ होता है इसका, ओमेगा का। हम एक थीम यहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसको अपने Drupal 7 में लोकल में इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे करेंगे, आइए एक थीम चूज़ करते हैं। ये थीम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड हो गई, इसको दोस्तों एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये थीम हो गई दोस्तों, ठीक है। इस थीम को हम कॉपी करेंगे, अपने Drupal 7 प्रोजेक्ट में साइट के अंदर, ऑल के अंदर, थीम्स फोल्डर के अंदर इस फोल्डर को पेस्ट कर देंगे दोस्तों। अब अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे, अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, जो हमने थीम यहाँ पर पेस्ट की थी वो यहाँ आ गई। अब इसको इनेबल एंड सेट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। देखिए, ये इनेबल थीम इनेबल हो गई, ठीक है। अब हमारी Drupal 7 की थीम चेंज हो गई। ये देखिए, ये जो हमने कंटेंट ऐड किया था अपने आर्टिकल पे, ये देखिए साइड बार आ गया, सर्च ऑप्शन आ गया, कमेंट ऑप्शन आ गया, तो Drupal 7 की थीम चेंज हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे Drupal 7 में अगर हमें Drupal अपनी वेबसाइट की थीम चेंज करनी है तो वो कैसे करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार।